नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। हाईवे किनारे ढाबों व पेट्रोल पंप पर खड़े वाहनों से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। यूपी से संसद वाणी के संवाददाता ओपी श्रीवास्तव के रिपोर्ट के मुताबिक चंदौली से है, जहां एसपी के निर्देश पर जारी रात्रिकालीन चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ लगातार बड़ी सफलता लग रही है। इसी क्रम में मुगलसराय कोतवाली पुलिस द्वारा चंदासी मंडी के हनुमान मंदिर के समीप से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा हाईवे किनारे ढाबों और पेट्रोल पंपों पर खड़ी वाहनों से मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 2 दर्जन से अधिक चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं। अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे विधिक कार्रवाई जारी है। बता दें कि चंदौली एसपी डा अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा रात्रिकालीन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लगी मुगलसराय कोतवाली पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए चंदासी मंडी के हनुमान मंदिर के समीप से मोबाइल चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया। ये थाना मुगलसराय की टीम ने आज एक उल्लेखनीय काम करते हुए 4 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 25 स्मार्टफोन मोबाइल जो है वो बरामद हुए हैं। इस टीम में जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें बादल सोनकर थाना मुगलसराय का एक्सिस्टर है, उसके ऊपर 0.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा रतन, संजय और सनी, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बादल, संजय और सनी जो हैं वो रात के समय जब ड्राइवर सो जाते थे तो ट्रक ड्राइवरों से महंगी ये मोबाइल उनका चोरी करके और सस्ते दामों में उनको बेचने का काम करते थे। उनके कब्जे से 25 मोबाइल बरामद हुए हैं। जो मोबाइल के स्वामी हैं उनको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। ये न्यायिक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से उनको उनके मोबाइल सुपुर्द किए गए हैं। ये अपराध सड़कों पर अपराध लगातार बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए किस तरह के इंतजाम किया जा रहा है? ये हमने दिन में हमारी जो लुटेरे टाइप के संदिग्ध टाइप के लोग होते हैं उनको चेकिंग के लिए हमने सादे में और वर्दी में टीमें लगाई हैं। इसके अलावा रात्रि में हमारी जो टीआरबी पिकेट और गश्त पार्टियां हैं उनको सक्रिय किया गया है। इसके अलावा रात्रि में जो अपराधियों का मूवमेंट होता है उसमें चेकिंग करने के लिए हमारी विशेष रूप से टीम एक लगाई गई है, जो प्रत्येक थाने में एक टीम होती है, वो सभी इन टीमों को भी सक्रिय रखती है और स्वयं भी गश्त करके चेकिंग करती रहती है ताकि आम आदमी सुरक्षित महसूस करें।